पृथ्वी शॉ 99 रन बनाकर हुए आउट, 12 सालों में पहली बार हुआ आईपीएल में ऐसा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, आईपीएल 2019 में दिल्ली कैपिटल्स ने केकेआर के बीच गजब का मैच हुआ और मैच टाई हो गया। इस मैच में केकेआर ने 20 ओवर में 185 रनों का स्कोर बनाया था। जवाब में लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स ने लक्ष्य 20वें ओवर में 5 विकेट खोकर 185 का स्कोर बना पाई। इस दौरान पृथ्वी शॉ 55 गेंदों में 99 रन बनाकर आउट हो गए। इस दौरान शॉ ने 12 चौके और 3 छक्के लगाए। पृथ्वी शॉ इस तरह से आईपीएल के इतिहास में सबसे कम उम्र में शतक बनाने वाले खिलाड़ी बनने से रह गए, लेकिन आईपीएल के इन सालों में 99 रन पर आउट होने वाले वो पहले खिलाड़ी भी बन गए। शिखर धवन ने 8 गेंदों पर 16 रन बनाए, जबकि श्रेयस अय्यर ने 32 गेंदों में 43 रनों का योगदान दिया। इससे पहले केकेआर ने 185 का स्कोर बनाया और उनकी तरफ से दिनेश कार्तिक ने 50 जबकि रसल ने 65 रन बनाए। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आए तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं और हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हर रोज ऐसी खबरें आपके लिए लाते रहती हैं। धन्यवाद।